सच में इंडिया में बैन हो चुका है। अगर आप एक एंड्रॉइड प्लेयर हो और अभी के टाइम में प्ले स्टोर पे फ्री फायर सर्च करते हो तो आपको नहीं दिखेगा। हाँ, मैच दिख जाएगा लेकिन रियल वर्जन नहीं। और अगर आप एक आईफोन प्लेयर हो तो भाई भूल ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे तो फ्री फायर का कोई नामो निशानी नहीं है। एंड अगर इस तरह अचानक से कोई भी एप्लीकेशन या फिर गेम गायब हो जाए तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज आती है कि भाई अब तो ये बैन हो गया। क्योंकि आप लोगों को याद होगा आज से काफी महीने पहले पबजी मोबाइल के साथ भी यही सेम सीन हुआ था। सबसे पहले पबजी मोबाइल प्ले स्टोर से गायब हुआ और फिर 2-3 घंटों बाद न्यूज आता है कि पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो चुका है। तो अब क्या यही सेम चीज अब फ्री फायर के साथ भी होने वाला है? सो इसके पीछे मेनली दो रीजन है। पहला, आप लोगों को याद होगा आज से कुछ दिनों पहले पबजी मोबाइल के क्राफ्टर ने गरेना फ्री फायर के ऊपर केस किया था ये बोल के कि वो लोग पबजी मोबाइल से कॉपी करते हैं। एंड ये कोई नॉर्मल केस नहीं था, सीधा लीगल केस कर दिया था उन लोग ने। तो अब हो सकता है कि यहाँ पे पबजी मोबाइल इस केस को जीत चुकी है एंड इसी की वजह से फ्री फायर को प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। हालांकि इसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि अगर ऐसा सच में होता तो गरेना खुद का एक जरूर से अनाउंसमेंट देती। दूसरा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, आज से कुछ दिनों पहले पेटीएम एंड और भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन अचानक से प्ले स्टोर से गायब हो गए थे। वो कोई बैन वगैरह नहीं हुए थे, जस्ट एक ग्लिच था जिसकी वजह से सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से कुछ टाइम के लिए गायब हो गए थे एंड वो सब कुछ 2 या 3 दिन तक ठीक भी हो गया था। तो हो सकता है वैसा ही कुछ सेम ग्लिच फ्री फायर के साथ भी हुआ, बाकी आई एम श्योर ये 2-3 दिन में ठीक भी हो जाएगा। तो हाँ गाइस, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो, इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं आपको बता दूं।